नमस्कार प्रणाम आप सबके छोड़ भाई अजय रंगीला। अब कैसा लगल वीडियो भैया लगन? अच्छा लगा था वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यार कमेंट करके बतावत रहा। और कुछ लेटेस्ट करे के सोचा था नहीं, और थोड़ी सी आज देखा आज कुछ अलग अंदाज में आ सब भी दे। हम का पहन लेता नहीं, हमको खुदे ने पता चला था हम का पहन के का उतार देता नहीं। तो भैया ये कैसा लगल, ये वाला वीडियो कैसा लगल? आप सब देखला ना देखला तो जाके चढ़ चुकल वीडियो हमारे, जाके फटाफट वीडियो के देखा और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद अपने छोड़ भाई अजय रंगीला के था। और पहले ही बताओ कि भी गेटअप में वीडियो कैसा लगल है, वीडियो अच्छा लगा था कि ना लगा था, पहले ये बताओ। हेमा कैसा लगा था? कहे थे कि देखिए वह लांगा हो, अभी लांगा की खासियत बता दी। आज पूरे लगभग एक डेढ़ साल दो साल लगभग पहले वानी लांगा के, बहुत पुराना लांगा बा, जान ला के दो साल पुराना बा। आज जौन की लांगा के सबसे बड़ी खासियत ये बा कि अगर हमके कुछ भोजपुरी में डांसिंग से जौन भी आप सब देखत रहा है समय अगर पहचान मिलल बा तो ओकर बस यह मूल्य बा, यह एकरे ही देन से आज हमके पहचान मिलल बा। तो फर्स्ट बार जब हम डीगो टिकटॉक लाइकी पे अभी भी हमारे एक दो वीडियो हुई अप्पा, आप सब हमारे बड़के चैनल पे देखवा अजय रंगीला ऑफिशियल पे, कि लांगा के डेढ़ साल एक साल पहले की वीडियो हुई अप्पा शॉर्ट वीडियो जोन बीगो के वीडियो रहा उठा के हम डल्ले रानी है यूट्यूब पे बना के सब जोड़ जोड़ के डल्ले। तो ये डेढ़ साल दो साल बाद लहंगा पहन ले, तो लहंगा के खासियत और कुछ ना रहा है, हम कुछ और भी पहन सकते हैं लेकिन आज हम कहने के नहीं एक भी प्रचार करे के चाहे जहाँ से हमके पब्लिक सिटी जहाँ से हमके जनता। और वही दिन वही दिन हम वीडियो लहंगा के वीडियो लहंगा पहन के वीडियो बनैनी है आ वही दिन वीडियो हमार वायरल भर टिकटॉक पे उपा बीगो वीडियो पे लाइकी पे वही दिन फेमस बनी हम। और तब से पहला फर्स्ट हमारे जो वीडियो रहा है साड़ी उड़ी तो मान ला बाद में पहनी, लेकिन फर्स्ट वीडियो हम जब लेडीज बने में जब हम वीडियो फर्स्ट पहनी है तो यह लहंगा रहा है। और लहंगा के दिन से आज आप सबके दिन से यहाँ तक हम पहुँचल बानी जौन भी कहीं, लेकिन हाँ हमारे लिए लकी बा और बहुत सारा प्यार आशीर्वाद आप सबके जौन मिलल है। आज शायद आप सबके भगवान मंजूर रहा कि ना ही हम यहाँ तक ऐसे साड़ी पहन के आया पहन के काम करी। तो बस यही के दिन से और सब लोग पूछल ना भैया साड़ी काहे पहने ला काहे पहने ला, तो हम ना पहने भैया जेके कहे के बाद इनसे पूछा लागा महाराज से ये हमके पहनाए रहे का करे हमके बनाए रहे, हम साड़ी ना पहनती लेकिन जब हमके बना देना है पब्लिसिटी आप सबके प्यार दार दिला देना ई गेटअप में तो हम कैसे छोड़ दे बताओ। आप सब कहें कि बहुत काफ़ी लोग कमेंट करें कि भैया आप लड़के में क्यों नहीं बनाते, आप जेंट्स बन के बनाइए अच्छा लगेगा। और हमको भी पता है बाबू कि हम भी सोचते हैं कि हम भी जेंट्स बन के रहें हम भी जेंट्स बन के, लेकिन क्या करें जैसे कि आप लोग नए हो नए नए आते हो, जो पुराने क्रिएटर हमारे यहाँ कोई नहीं कहता, जो नए नए क्रिएटर जो पहली बार देखते मुझे तो यही बोलते हैं आप भैया ये सब क्या कर रहे हैं पागलों जैसा काम। तो हम बताते भैया कि पागलों वाला जो भी है हमको सब अच्छा लगता है। देखिए कि कलाकार के लिए कुछ भी कोई भी कला है सब अच्छा होता है, अपने अपनी जगह परफेक्ट होता है। कहने में आप सब हम बुरा मत मानना लेकिन थोड़ा बात के तौर पे कह रहा हूँ कि कहने में टाइम नहीं लगता लेकिन करने में बहुत टाइम और समय बहुत बहुत कुछ लग जाता है। कहने में टाइम नहीं लगता है कि अरे यार तू साड़ी पहन के डांस कर रहा है, अरे यार तू ये पहन के डांस कर रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कहने वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आप सबको लगता है कि ये सब इतना आसान है और बहुत है मतलब कि फालतू काम है तो एक बार आप लोग प्लीज इसको पहन के कहा कही कि लगभग अब कुछ ना कहा वापन दी ना कहा कि हमारे चलते सब वीडियो बनावता हमारे चलते हमार कॉपी करता, लेकिन इतना कहा कि ऐसे पहले हम कभो जब हम लड़का ना लड़की लड़का ना बनत रही तब हम कभो ना दिखले रही, लेकिन जब से हम वीडियो बनावा शुरू करी तब से हमके बहुत वीडियो बहुत लड़का लोग जान ला कि बहुत मतलब कि आजकल जैसे प्रोग्राम बनना और अतर आ रहा है तो बहुत सारे लड़के मेरा जैसे गेटअप करके वीडियो बना रहे हैं बहुत कुछ कर रहे हैं। तो यही सब और बहुत खुशी होता है मुझे, चलिए यार जब मैं आप सबके दिन से यहाँ तक पहुँचा हूँ और सिस्टम आप सब इतना बना दिए हैं तो यार चलिए कोई भी कॉपी करे हमको भी अच्छा लगता है। अगर यार चलो कोई तो बाद में कहेगा हाँ यार एक लड़का वही था जो मूछ वाला अजय रंगीला था
वही वीडियो बनाता था, लेकिन आज उसके टाइप का सभी लोग बनाते हैं। मैं कहता हूँ सब लोग काम करो, सब मेहनत करो, लेकिन अपने गेटअप का थोड़ा ख्याल करो, अपने गेटअप के हिसाब से काम करो कि यार अच्छा लगना चाहिए पब्लिक में, मार्केट में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ भी बना दो ऐसे डाल दो, ऐसा नहीं है। आप लोग कलाकारी से काम कीजिए, आप लोग साड़ी पहनो, कुछ भी पहनो, लेकिन एक कला के साथ पहनिए, एक कला के साथ करिए तो बहुत अच्छा लगेगा और नाम नहीं खराब होगा। नहीं तो कुछ भाई के चक्कर में मेरा भी उसमें, मेरा तो है ही है नाम खराब, लेकिन थोड़ा सा और हो जाएगा। अगर यार उसी के देखी देखा सब लोग पहनते हैं, लगता है वही पहनता था तभी देखी देखा पहनते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे से साड़ी का, साड़ी वाली बात नहीं कर रहा। साड़ी तो यार कौन नहीं पहना, हम पूछते हैं कि पूरे सब कोई बता दे हमको, कि जो भी जानकार हो, जो भी हमको इतना नहीं पता है लेकिन जितना मेरी जानकारी में, कोई बता दे कौन सा स्टार, कौन सा आदमी साड़ी इस क्या कहते हैं इस सिस्टम में, फिल्मी दुनिया में कौन नहीं पहना है। तो हमको उससे नहीं है कि सब लोग यार कोई भी स्टार हो सब पहन चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। सबके लिए कला सबसे बड़ी महान चीज होती है, ये नहीं होता कि साड़ी नहीं होती है, कला सबसे बड़ा। अपने कला करने के लिए कुछ भी आदमी पहन सकता है साड़ी, जो भी क्रिएटर निभाने के लिए कुछ भी पहन सकता है। तो बस भैया ये चाह कि आप लोग एक बार गौर से सोचिए और फिर उसके बाद हमरे बात के कमेंट में बताई कि हम सही कहता नहीं या गलत, या गलत कह ले हो तो भाई क्षमा चाहता नहीं, माफी मांगता नहीं। आप सबके अगर गलत लगा लो कि नहीं अजय रंगीला गलत बोलना है कुछ भी, तो हम क्षमा चाहता नहीं भाई, एक बात से ना बोला। लेकिन कुछ भाई लोग कमेंट करें ऐसा तो खातिर हमें बोले पड़ल है, और कुछ ना हमारे सजेशन बा जौन बा हमार मेहनत जारी रही, ऐसे हम बनावत रहा करत रहा। आप लोग ऐसे देखत रहे, हंसत रहे, मुस्कुरात रहे, खेलत रहे, देखत रहे अजय रंगीला शॉर्ट ऑफिशियल। मिलता नहीं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।